गोधरा हम लोग आए हैं। अभी देखिए चुनाव का समय है और गुजरात के ही मॉडल पे हम लोगों ने पूरे भारत में जो तरक्की देखी है, बस एक बार फिर से गुजरात में जब चुनाव हो रहा है तो जैसा कि पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये सिर्फ 5 साल के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 साल में भारत किस ओर जाएगा और भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत की मजबूती के लिए जो मंत्र हम लोगों ने गुजरात से ले कर चला था वही मंत्र फिर से है। सिर्फ हमें कमल के निशान को याद रखना है, कमल के निशान को दबाना है और सारी समस्या का समाधान इसी मंत्र में है, क्योंकि कमल जहाँ जहाँ खिला है वहाँ वहाँ आप देखिए तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है और लोग बहुत खुश हैं जहाँ जहाँ भी कमल खिला है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा उपचुनाव में आजमगढ़ जो कभी कमल नहीं खिलता था वहाँ के लोगों ने कमल खिलाया, तो अभी वहाँ भी तेज़ी से विकास हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोग तरक्की कर रहे हैं। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है, वहाँ की सड़कें बन रही है, वहाँ का पुल बन रहा है, तो ये है कमल का कमाल। तो बस वही कमल के लिए आशीर्वाद यहाँ पे मांगने के लिए हम लोग भी आए हैं कि आप लोग सब लोग तो हमेशा कमल को सपोर्ट किए हैं, अब हम भी आए हैं आपसे आशीर्वाद मांगने। निरहुआ जी की स्टाइल में प्रचार किस तरह से होगा? क्या बात, मैं तो वही कलाकार है भाई, मैं, बच्चा हमारा। मैं यही कहता हूँ कि दबई बाजब कमल के बटनिया, दबई बाजब कमल के बटनिया, दूर हो जाई परेशानिया, दबई बाजब भारत माता की। अब मैं और भी कार्यक्रम लगातार हम लोग अहमदाबाद से करते हुए और गुजरात विधानसभा चूंटणी प्रचार वेगवंतो बनतो जाए त्यारे આજે વડોદરા ખાતે હિન્દી ભાષી સમાજને સંબોધન કરવા માટે યુપીની આઝમગઢ સીટના સાંસદ દિનેશલાલ યાદવ, કે જેઓ એક પ્રખ્યાત ભોજપુરી કલાકાર છે અને નિરોવાના ઉપનામથી તેઓ યુપીમાં ખાસા જાણીતા છે, તેઓ આજે હિન્દી ભાષી સમાજને અહીંયા સંબોધન કરવા આવ્યા હતા અને ભાજપના પ્રચાર માટે તેઓ આજે અહીંયા આવ્યા હતા। કેમેરામેન અલ્પેશ ચૌહાણ સાથે હાર્દિક ચૌહાણ, લોકસત્તા, જનસત્તા।